हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाला है व्हाट हैपन इनसाइड ऑफ पीएलसी। ओके, जब हम लोग इनपुट कमांड देता है, जब नहीं तो आउटपुट आता है, तो पीएलसी अंदर में क्या हुआ देखने वाला है। पीएलसी के अंदर ऐसे प्रोग्राम बना रहता है, ठीक है। इसमें दिएगा तीन इनपुट दिया हुआ है, तीन एनोड टाइप का दिया है ना। इसमें पहले वाले ऊपर में वन इनपुट, टू, थ्री, तीन इनपुट है। सो उसमें नेम दिया रहता है I0.0, I0.1, I0.2, ठीक है। ऐसे करके दिया रहता है। अब मान लो तीन जगह से इसको जो ये जो ए वाला है ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये Q0.0, तो ये तीन जगह से कहीं से भी हम ऑन कर सकता है। ऊपर वाला रिमोट रिमोट मॉडल, बीच वाला लोकल है, ये नीचे वाला स्कैडा से कंप्यूटर से जो स्क्रीन में रहता है ना वहीं से ऑन कर, मतलब एच एम से भी ऑन कर सकता है हम लोग, ठीक है। तो तीन इनपुट से हमको तीन जगह से कहीं भी हम ऑन करने से अंदर में क्या होता है वही मैं आपको दिखाने वाला अभी। इसमें देखिएगा पीएलसी जो फ्लोर हम दिखा रहे हैं, ये देखिएगा रिमोट का पुश बटन, ठीक है। इनपुट वन है और ये नीचे वाला देखिएगा ये इनपुट टू है, लोकल पुश बटन, और ये वाला स्कैडा से ऑन करने वाला वो वाला है, ठीक है, एचएमएस से। ओके, ये तीन इनपुट दे दिया और बीच में देखिएगा ये इंटरलॉक है। रूप राइस करने के लिए, रूप राइस होने से क्या क्या इंटरलॉक चाहिए वो अगर क्लोज होएगा तो उसके बाद ये कॉइल ऑन होगा, ठीक है। ये कॉइल ऑन होता है। अभी देखिए, अभी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, अभी ऑफ ऑफलाइन में, सो इसको ऑनलाइन करना है। इसका क्लिक कर दिया, क्लिक में अभी देखिए रन ग्रीन हो गया, मतलब ऑनलाइन में पीएलसी ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। ओके, जब मैंने रिमोट से पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ इनपुट मॉड्यूल का, आउटपुट मॉड्यूल का कनेक्शन वगैरह, उसको देखने से सर आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखा, ये पुश बटन मैंने रूफ प्राइस का पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन दिख रहा है, मतलब वो प्रेस करने से क्लोज हो गया, ये अंत ग्रीन आ गया। ओके, देखो प्रेस कर रहा हूँ ग्रीन, मतलब वहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ गया। जब इंटरलॉक भी रूप प्राइस के लिए इंटरलॉक ठीक रहेगा तो ए वाला क्लोज हो, एन वो क्लोज हो के फिर ये कॉइल ऑन होता है, ठीक है। यहाँ तक ग्रीन आएगा तो ये ऑन हो जाएगा आपको। ओके, सो ये इंटरलॉक का प्रोग्राम ऊपर में बनाया हुआ है, ये जो इंटरलॉक है, क्या क्या इंटरलॉक होना चाहिए मतलब आपके लिए, वो इंटरलॉक पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ये रूप आपका है इंटरलॉक है, ये देखो वीसीबी ऑन फीडबैक है, वैसे अगर लिमिट क्लोज होना चाहिए, ये सब फीडबैक ओके रहेगा तब जाके आपका जो वो इंटरलॉक जगह है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इंटरलॉक तब जाके ये क्लोज हो जाएगा था, तो ग्रीन बटन पुश बटन दबाने से क्या इंटरलॉक से वो क्लोज हो गया, वहाँ से आपका जो कॉइल ऑन होता है आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है।